और दोस्तों तो देखो सुबह सुबह का व्यू, और ये देखो अदनान चाचू यहाँ क्या ठंडी ठंडी हवा ले रहे हो, नहा लिए नहा ली और पापा और देखते यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, जहाज चुना है ही नहीं, स्मेल आ रही है रात में, अंदर से नहा लो जाओ। अच्छा तो गाइस अब हम तैयार श्यार हो रहे हैं, तो आज का सीन कुछ ऐसे है कि हम जाएंगे म्यूजियम और चित्राल की आपको रंगीन कलियां दिखाएंगे, वहाँ की तफरी कराएंगे, वहाँ का कल्चर सकावत दिखाएंगे और इंजॉय कर मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो, है जास? बिल्कुल इनामुल्ला भाई, सही बात, ये इनामुल्ला भाई हैं जो खुद काबिल तारीफ हैं, इसकी कोई तारीफ नहीं है। आज इनामुल्ला भाई हमारे साथ जाएंगे, तो रात को हम यहाँ सोए थे, बहुत इंजॉय किया रात को, बातें करते हुए मूवी शो भी थोड़ी सी देखी, थकावट थी, इंजॉय अच्छा किया। आज आपको पूरा जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है, बुम्बू रेत और क्या, हाँ बुम्बू रेत ऐसे है कि कैलाश वैली की जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है उसकी नसीब से है लोग, और इनकी सकाफत या तहजीब 500 साल से भी पुरानी है, माशाल्लाह। और ये लोग बुम्बू रेत चित्राल में, बुम्बू रेत में, मडेग्लास्ट और रुम्बूर में मिलते हैं, और ज्यादातर इसका सेंटर आज जो हम जा रहे हैं वहाँ पर ही है। ठीक हो गया, आज इनामुल्ला के साथ जुड़ेंगे हम, आगे की तरफ चलेंगे। अदनान चू आप तो नहा लो जाओ यार, नहीं करके और निकलते हैं सफर की तरफ, कुछ देर वेट करें, इंशाल्लाह मिलते हैं। सफर बहुत ज्यादा डेंजरस है, कैलाश का सफर बहुत गैस डेंजरस है, तो आपको वो सफर भी दिखाएंगे, खूंखार पहाड़ियां हैं यहाँ पर, और हम खूनखार बंदा भी लेके आए अपने साथ, वो दिखाओ, हम खूनखार बंदा भी लेके आए जो दो दिनों से नहाता ही नहीं है, स्मेल आ रही है सर्दी लग रही है। तो वहाँ पर सिकंदर आजम के लोग है, वो आपको दिखाते हैं, बहुत इंजॉय होगा। चलो भाई बिलाल आया है, ओ बिलाल भाई आ गए हो, हाँ तो गाइस हम तैयार श्यार हो गए हैं, तो इनायतुल्ला भाई और इसरार भाई बैठे हैं, ये भाई हमें लेकर जाएंगे यहाँ से म्यूजियम जाएंगे, पहले म्यूजियम जाएंगे, हाँ फिर उसके अच्छा। बाद यार वादी कैलाश जाएंगे, वहाँ सिकंदर आजम के पापा, हमारी लाडो रानी नहीं जाएगी आज, लाडो रानी नहीं आज, डाडो रानी जाएगी, गजब बेइज्जती है, लाडो रानी नहीं जाती, ये जाएगी, लाडो रानी जख्मी हो सकती है, उधर लाडो रानी जख्मी हो जाती है, मगर खतरनाक है, बहुत खतरनाक रास्ता, बहुत खतरनाक रास्ता है, तो गाइस आपको दिखाएंगे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो बिल्कुल गाड़ी कनारे पे होकर जाती है, क्या कहता है अदनान, वेरी इंटरेस्टिंग, वाह 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 वाह। और अनायत भाई हमें वहाँ इंट्रोड्यूस करवाएंगे सारा इलाका, क्यों नहीं भाई, क्लास की चमक हो गया, चलो चलते हैं जी, फिर चमक भी दिखाते हैं आपको जी। बिलाल कैसा एंजॉय हो रहा है माडो रानी में, खतरनाक खिलाड़ी है, खतरनाक है हमारे भाई हैं ये अनायतुल्ला भाई, जो हमें कैलाश वैली लेकर जा रहे हैं, हमारा रास्ता बहुत डेंजरस है आगे, अभी तो सीधा रास्ता है, आगे कैसा है इनामुल्ला भाई, अयोन से आगे थोड़ा सा दुश्वार है लेकिन कठिन बहुत है, लेकिन मजा बहुत आने वाला है। चलो जी इनामुल्ला, लोगों को देखेंगे, उनका कल्चर के बारे में स्टडी करेंगे और बहुत मजा आएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखेंगे गाइस, सफर है ये हमारा, क्या खूबसूरत नजारे हैं और हम इंजॉय करते जा रहे हैं, अभी ये सड़क बहुत अच्छी है, आगे अनायतुल्ला भाई हमारा सारा नाश्ता नुश्ता हजम करवाएंगे, जो खड्डों में ऐसे मारेंगे कि जोन सा रात का है वो भी हजम हो जाएगा आपका, वो तो हजम हो ही जाएगा, इसकी ड्राइवरी फास्ट एंड फ्यूरियस वाली है गाइस, तो चलते हैं, जुड़े रहे आगे की तरफ चलते हैं, जब आगे रास्ता आएगा तो दिखाते, पहले हम जाते हैं म्यूजियम की तरफ, ये जा रहे हैं अभी म्यूजियम, उसके बाद सफर बहुत ज्यादा डेंजरस है, देखने में आपको मजा आएगा, हमारे लिए जो होगा वो देखा जाएगा। अच्छा तो गाइस अब हम चित्राल म्यूजियम पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत नजारा है यहाँ पर, मौसम भी बहुत अच्छा है, प्यारा है, साथ हमारे हैं इनाम भाई, इजाज भाई, तो ये आ जाए अंदर आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या कुछ है, इस तरह ये देखते हैं, ये कैलाश ड्रेस का है
आसिफ भाई ये चित्राल के जो जुबान मादरी जुबानी कहते हैं उसके साथ साथ ये ड्रेस है और जैसे पहनते ये कैलाश वैली के अपने ड्रेस है इसके साथ जो गले में पहनते हैं या सर में टोपी रखते हैं ये चित्राल के कैलाश के जो अभी हम जा रहे हैं वहाँ के ये यानी कि हमें देखने को मिलेंगे। हाँ हम लाइव देखेंगे यार ये लड़की भी देखने को मिले। निकल लो देखेंगे भाई। और सर ये रुमबूर के वाले हैं और ये कैलाश के अपने ये रुमबूर के ये थे भाई रुमबूर में पहनते ये कैलाश में। चलो फिर अंदर देखते हैं जो इनके क्या इनामुल्ला भाई भाई ये चित्राल के फेस्टिवल्स नहीं होते जी वही जी। है तो यहाँ पर सारे फेस्टिवल्स के पिक्चर्स वगैरह लगे हुए हैं और सबसे पहले ये बुरोगर फेस्टिवल है और दूसरा शंदूर फेस्टिवल ये चित्राल के सबसे ऊंचाई पहाड़ में है और साल में एक बार होता है। और दूसरा चित्राल फेस्टिवल इसमें दो चित्राली मकामी रक्स लगा हुआ है और चित्राली डोल में लोग नाच रहे हैं और रस्सी खुशी भी हो रहा है इसके साथ साथ पागलस्ट फेस्टिवल भी है और उसके साथ साथ बोरोगल फेस्टिवल ये भी है शेंदूर फेस्टिवल चित्राल फेस्टिवल ये क्यों ये क्लाश फेस्टिवल में क्या होता है चित्राल फेस्टिवल में यहाँ पर पोलो क्लाश ये क्या हो रहा है यार यहाँ पर रक्स वगैरह होते हैं लड़के नाचते हैं। जो आज हम जा रहे हैं इस सारी जगह जो यहाँ पर पिक्चर में है यहाँ पर लाइव हम जाएंगे चलो फिर तो बहुत मजा आने वाला है। ये क्या लगी हुई है यार यहाँ पर और ये चित्राल के मकामी खाने और ये ब्रेड वगैरह है यहाँ पर देख लो कैलाश यार ये तलमंजी है ये तलमंजी है ना ये बहुत मशहूर है ये तो हमने खाई थी बहुत मजेदार है। दूध और रोटी से बनते है लेकिन बहुत मजे का होता है इसके ऊपर ऑयल वगैरह डालते है। तो आ जाए गाइस आपको अंदर इनकी म्यूजियम में दिखाते हैं कि क्या चीज है चपोती वगैरह सारा कुछ इसमें। तो आ जाए गाइस तो ये देखो जिस तरह हमारा ये रांझा होता था यहाँ भी कैलाशी और इनके चित्राली इनके जो उनसे हैं सब कुछ है। बाकी आपको हम इनकी दिखाते हैं जो जो चीजें जिन चीजों की ये इनके भूत है जिनको ये पूजते हैं ये अलग अलग बूथ है इनके अलग अलग किस्म के हर चीज के लिए अलग से बूथ है बारिश के लिए अलग से और रोटी के लिए अलग से मांगते हैं तमाम तरह के बूथ हैं। और इनका सबसे बड़ा बूथ जो लाइफ मुहूर्त में है वो भी आज हम आपको दिखाएंगे। आ जाओ गाइस तो हम आपको सारा विजिट करवाते हैं। ये इनके बर्तन वगैरह हैं ये जिसमें वो पानी वगैरह खाना खाते थे पानी रखते थे वो है ये इनके पराठे वगैरह हैं। और ये क्या है ये तवे हैं और इसमें लस्सी वगैरह बनाते हैं रोटी और लस्सी बनाते हैं लस्सी। और ये उनके पहने के और ये ऊपर ये उनका जूता है जो हम पहनते हैं ये ऊपर टोपी रखते हैं जंगू में पहनते हैं। वाह वाह जंगू जी वाह क्या बात है। और ये आटा पीसने के लिए और दूसरे गर्म के इस्तेमाल के लिए सामान होते हैं। अच्छा तो ये यार वो जो क्या क्या कहते हैं चमचे 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 है और ये खाना पकाने के बाद इस्तेमाल होते ये सारा सारा ये सारे संदूक बर्तन वगैरह हैं वो क्या कहते हैं पानी डालने वाली सुराही ये और ये उनके गिलास वगैरह है ये उनकी फराते वगैरह है पुराने दौर की स्त्री आजकल भी बुमरेद में ये इस्तेमाल होता है ये आटा पीसने के लिए ये बड़ी अच्छी चीज है ये आजकल भी इस्तेमाल ये क्या है ये मसीते के इंस्ट्रूमेंट आलात हैं ढोल वगैरह। वाह ये चित्राल की सकाफत के रबाब है म्यूजिकल और ये सितार ये भी चित्राल में आजकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और ये काम करने के लिए जो वो हमारी जुबान में खेती बाड़ी बोली जाती है खेती करते हैं वो और इससे कपड़े बनाते थे ऊल ऊल वगैरह ये रुई रुई बनाने से बनाते कपड़े वगैरह ये इनकी टोपी ये बादशाह होता था या कैलाश का भी उसका बनाई हुई टोपी है दिया हुआ है कैलाश ये पुराने मोर होते थे वहां पर ये हॉकी के ये पोलो स्टिक और इसके गेंद वगैरह और ये चमड़े से बने हुए जिसमें लस्सी बनता है इसमें ही बनते हैं।
ये इनकी घंटियां वगैरह, घंटियां ओ जेवरात, इनके हसीन जेवरात हैं, जिस तरह हमारा सोना वगैरह होता है, ये उस दौर के इनकी चीजें यार। ये देखो वजन भी बहुत काफी, बहुत मजेदार चीजें यार। देखो कैसा ये इनका पहनावा है, उनका उनके हिसाब से बना हुआ है। ये देखो इनके, ये इनके जेवरात है जो ये पहनते हैं। ये आगे तक इसी तरह है गाइस। और ये क्या चीज है, और ये क्या है, ऐसे जब ये किसी से मिलते तो ऐसे प्यार भी करते हैं। ये उनकी पुरानी देखो क्या चीजें हैं सब, ये चमड़े से बने हुए हैं, ये इनकी मंजिल वगैरह। अब हम आपको ना इनके जो उनसे हथियार होते हैं, बंदूकें वगैरह होते हैं, वो आपको दिखाएं। दिखाओ, चलो वो दिखाते हैं आपको। ये देखो ये उनके हथियार जिसमें वो डालते थे ना, गोलियां वगैरह, ये वो है। आ जाओ उठा के दिखाते हैं आपको। ये इनके मेडल वगैरह हैं, ये उनके तमखे जो उनके उनकी फौज जो उनको देते थे, ये वो तमखे हैं। ये बुत हैं इनके, आ जाए। ये इसमें सजा देने के लिए इसमें बंदे को बीच में हाथ डाल के खड़ा करते थे ऐसे, ताकि बंद हो जाता था। बैग रखते थे। ओहो इनकी हथकड़ियां देखो यार, कैसी हथकड़ियां इनकी, अच्छी है ना। हाँ। अच्छा इनके जो उनसे पुराने फौजी थे जो इनके थे, उनकी कुछ हड्डियां हैं जो आपको वो भी दिखाते हैं। ये देखें, ये उनकी कुछ हड्डियां वगैरह हैं जो उनसे शहजादे महाराजा जो थे, कुछ सिकंदर आजम के दौर की चीजें भी हैं यहाँ पर काफी। तो गाइस आ जाए देखते जाए, इनकी काफी चीजें हैं यार। आज बिलाल भी देखो यहाँ भी है यार। ये देखो ये क्या है, ये लिखा हुआ यार कुछ, क्या लिखा है यार। एक्सिवेशन ग्रेव, ये कब्र से निकाले हुए, ये बहुत अच्छा कब्र से उस टाइम के सिकंदर आजम के दौर के निकाले हुए, कि उसके फौजियों की है। अच्छा उस दौर को जो इनका मेन फौजी था जो उनसे जिसे हम कर्नल जनरल कहते हैं उस टाइम के उसकी है ये मशहूर। हाँ। यार ये देखो ये तोपे हैं, ये तो तेजी और भाई बात कर यार, धाम धाम गोरे बैठे थे यार, तो बड़ी मजेदार चीज है यार। इसके अंदर मेरे ख्याल गोला डाल के चलाते होंगे ना, वही चलाते। और इसका आखिरी सरबरा भी यहाँ पर देखा ही दे रहा है, अमीर अब्दुलरहमान। अमीर अब्दुलरहमान ये कैलाश की और चित्राल की सकावत की आखिरी हुक्मरान लोगों का था। तो गाइस आपने म्यूजियम देख लिया, अब हम आगे चलते हैं कैलाश की तरफ जो बहुत हसीन वादी है और जहाँ बहुत खूबसूरती है, जहाँ लोगों ने बहुत अजीब अजीब बातें की, मगर हम आपको कुछ वहाँ की सच्चाई और हकीकत आपको बताएंगे। चले इनाम लगाए
बहुत कदीम है, जो बहुत ही पुरानी है, सिकंदर आजम के दौर की है। ये लाइब्रेरी है इनकी। कैसी लगी आपको म्यूजियम? अच्छा लगा होगा, तो चलते आगे की तरफ। आ जाए ये यार अदनान वगैरह तो साथ आज गए नहीं थे ना। इजाज़ भाई यार, रामला भाई ये ग्राउंड है? हाँ भाई, ये चित्राल का ग्राउंड है, जहाँ पर पोलो ग्राउंड भी है, मगर अब फुटबॉल खेला जा रहा है। और वहाँ पर हॉर्स वाला यार वो पोलो हॉर्स पोलो घोड़ों की रेस भी वो दूसरे ग्राउंड में होती है। दोनों में होती है, दोनों में होती है। कैसा लगा आपको ये देख के? माशाल्लाह आशिफ भाई, इनकी सकाफत, इनका तहजीब व अदाब देख के ना मेरा दिल बाग बाग हो गया। ये क्या क्या इतना खा रहा है जो पेट है से फैला रहा है? आशिफ भाई वो ना ये इनामुल्ला भाई और माल खा खा के गाइस पेट देखो, पेट थोड़ा सा ज्यादा हो गया। कंट्रोल सुबह शाम खाता रहता है, बस कर जा यार। आज हमें चित्राल के मशहूर ड्राई फ्रूट बाजार में हम आए हैं मीठे चने लेने के लिए। स्पेशल मेरा छोटा भाई है ना अदनान सैगल, इनकी मिसिज है बड़ी प्यारी, उनकी फरमाइश पे लेने आए हैं मीठे चने। अरे कहना क्या चाहते हो? जो ये खाएंगे और ये हो जाएंगे मीठे मीठे।